हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। एक्चुअली एक छोटा सा वीडियो बनाने का मैंने प्लान किया था, तो इसमें मैं इनके एनुअल रिपोर्ट, जो कि इनके वेबसाइट से मैंने ये खोल के रखा हुआ है, 444 पेजेस का ये एनुअल रिपोर्ट है। इसमें से जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इनको और इनके डिटेल्स हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कोई भी कंपनी का। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कैसे लोग हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपर्टीज़, डोमेन एक्सपर्टीज़ क्या है, उससे हमें पता चलता है कि उनका जो डिसीजंस हो सकते हैं या फिर उनका जो एम्बिशन हो सकता है कंपनी के बारे में, वो कितना अच्छा वो अचीव कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले इनकी लिस्ट हम लोग एक ओवर सा एक हाईलाइट ले लेते हैं। ये श्री मुकेश अंबानी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स का इनका फ़ोटो दिया हुआ है। फिर उसके बाद श्रीमती नीता अंबानी, फिर श्री मानसिंह एल भक्त, उसके बाद श्री योगेंद्र पी त्रिवेदी, फिर प्रोफेसर दीपक सी जैन, फिर प्रोफेसर अशोक मिश्रा, उसके बाद डॉक्टर रघुनाथ ए माशेलकर, ओके, उसके बाद श्री आदिल जैनुल भाई, उसके बाद श्री रामिंदर सिंह गुजराल, और फिर श्री सुमित भाई, सुमित बैनर्जी। और ये जो लास्ट के चार हैं, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं कंपनी के। ये हैं श्री निखिल आर मेसवानी, उसके बाद श्री हीतल आर मेसवानी, उसके बाद श्री पीएमएस प्रसाद, और फिर श्री पवन कुमार कपिल। तो ये जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, ये मोस्टली हेड जैसे होते हैं, एक एक डिवीजन वगैरह हेड करते हैं या फिर पर्टिकुलर वर्क करते हैं। तो ये उन जो उन अंदर के कौन से कमिटीज़ के मेंबर हैं, तो ये उनका डिटेल भी दिया हुआ है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, ये वाला, ये आप देख सकते हैं। अगर आप इसको सर्च करेंगे नेट पर, तो आप एक्चुअली जो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है उसमें डायरेक्टली ये ओपन होता है। यहाँ पे हमें सर्च करके ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ये ओपन करके रखा हुआ है, ये लिंक यहाँ पे खुलता है। तो ये फर्स्ट मुकेश डी अंबानी के बारे में कुछ डिटेल्स हम जानने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें कंपनी के बारे में और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा। यहाँ पर दिखाया हुआ है कि रिलायंस CMD मिस्टर मुकेश अंबानी रिसीविंग द ऑथमर गोल्ड मेडल। तो इनको ये एक अवार्ड जैसा मिला हुआ है। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसे, ओके, तो आपको देखने में आसानी होगी। ओके, मुकेश डी अंबानी, इनका DIN जो डायरेक्टर्स का रजिस्ट्रेशन का कोड होता है, वो दिया हुआ है 1695। ये केमिकल इंजीनियर हैं, इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग किया है। ओके, और बाद में MBA किया है स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी से, यूनाइटेड स्टेट से, और ये बोर्ड पे 1977 से हैं। इन्होंने रिलायंस का बैकवर्ड इंटीग्रेशन जर्नी शुरू किया, जो जिसके अंडर इन्होंने टेक्सटाइल, पॉलिस्टर फाइबर, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, उसके बाद में ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन जैसे वर्क शुरू किए और सबको इंटीग्रेट किया। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज शुरू किए, 21 मिलियन टन पर ईयर्स का कैपेसिटी वाला अचीव किया। उसके बाद लेट 90s में जो इनका सबसे बड़ा प्रोमिनेंट अचीवमेंट है, जामनगर में इनका जो रिफाइनरी है, J1, J2, J3 जिसको कहा जाता है, मतलब फेजेस हैं उसके वो बड़े बड़े, तो वहाँ पे इन्होंने इनिशिएशन किया था लेट 90s में, और जिसका कैपेसिटी है 660,000 बैरल्स पर डे, लगभग 33 मिलियन टन्स अ ईयर। और यहाँ पे बहुत सारे पावर जनरेशन, पेट्रोकेमिकल्स और पोर्ट रिलेटेड साथ में इंटीग्रेट किए हुए। उसके बाद इन्होंने 5,80,000 बैरल्स पर डे उसमें ऐड किया जामनगर में, तो टोटल उनका कैपेसिटी अब जामनगर से हो गया 1,24 मिलियन बैरल ऑयल पर डे एक ही लोकेशन से, जो दुनिया का एक बहुत बड़ा हब है रिफाइनिंग का।
रिलायंस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है पूरे इंडिया में, वो भी इनका एक अचीवमेंट रहा सप्लाई चेन वगैरह में, जो इन्होंने रिलायंस रिटेल में काम किया है तो ये इनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद जो 4G बिजनेस हम लोग सब जानते हैं कि रिलायंस जियो वगैरह, तो वो पिछले कुछ एक दो सालों से तो इनिशिएट हुआ है, मगर वो बहुत पहले से उसका काम शुरू हुआ था 4G नेटवर्क वगैरह का, तो उसमें भी इन्होंने इम्पोर्टेंट काम किया। और उसके बाद ये जो अलग इनके इंटरेस्ट एरियाज़ हैं जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, फिनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट, सिटीजन इंटरफेसेस और एंटरटेनमेंट में भी काम किया इन्होंने। और ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि ये प्राइम मिनिस्टर का जो काउंसिल है ट्रेड एंड इंडस्ट्री का, जो उनके उसके भी मेम्बर हैं, तो इनके बहुत सारे रेनाउंड अचीवमेंट है एक्चुअली। ही इज़ एक्चुअली अ ग्रेट पर्सन फॉर इंडिया। और चेयरमैन ऑफ यहाँ पे बहुत सारे अचीवमेंट उनके दिए हुए कि वो अलग अलग जो इकोनॉमिक फोरम है, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी गुजरात है उसका जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, तो ऐसे बहुत सारे इसके कमिटीज़ वगैरह के मेंबर हैं। और वो यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है, बिजनेस काउंसिल, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, ऐसे इंटरनेशनल जो रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है उनके भी मेंबर हैं। और यहाँ पे और वैसे डिटेल दिए हुए। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2016 का जो एनुअल जनरल मीटिंग का स्पीच है वो दिया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छे से कंपनी के बारे में और उसके वर्किंग के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे CNN का इंटरव्यू भी दिया गया हुआ है मुकेश अम्बानी जी का। और ये उनके अवार्ड्स हैं 2017 में फोर्ब्स ग्लोबल गेम चेंजर्स लिस्ट में, जो एक ही इंडियन का नाम था तो वो मुकेश अंबानी जी थे। उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं। तो ऐसे 2017, 16, 15, 14, 13, 10, उसके बाद सन 2000 से अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत चुके हैं। ये था मुकेश अंबानी जी के बारे में। तो अभी इनके जो बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं मेनली, उनके बारे में हम चेक करेंगे। ओके, फर्स्ट हैं श्रीमती नीता अंबानी। इनके बारे में डिटेल दिया हुआ है कि ये नॉन एग्जीक्यूटिव और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। और बहुत सारे जो रिलायंस का जो टाउनशिप है जामनगर में, उसका बिल्डिंग से लेकर ऑफिस कैंपसेस का जो उससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं उसमें वो एक्टिव हैं, रिलायंस रिटेल के टच पॉइंट्स के इसमें भी, एग्जीक्यूशन में भी। वो 13 स्कूल्स में 15,000 स्टूडेंट्स को एजुकेशन में हेल्प कर चुके हैं। एक्चुअली इनका CSR एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे जो एजुकेशन से रिलेटेड या फिर चाइल्ड रिलेटेड इनिशिएटिव्स है उसमें पार्टिसिपेट करती है नीता अंबानी जी। और इन ये प्रेसिडेंट हैं सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर की, एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है वो। और दृष्टि और रिलायंस फाउंडेशन में काम कर रहे हैं 10 साल पहले उन्होंने लॉन्च किया था, जिसने 13,000 अब तक ट्रांसप्लांट कंप्लीट किए 19 कंट्रीज़ में। ये ब्रेल न्यूज़पेपर सर्कुलेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल ब्रेल न्यूज़पेपर दृष्टि ने लॉन्च किया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे इन्होंने सोशल वर्क रिलेटेड काम किया, और इनको कॉरपोरेट सिटीज़न ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। उसके बाद मोस्ट पावरफुल वुमन इन इंडियन बिजनेस का अवार्ड भी मिल चुका है। और ये प्रमोटर भी हैं कंपनी की, और 33 लाख लगभग 34 लाख शेयर्स हैं इनके पास कंपनी के। EIH लिमिटेड के बोर्ड पे भी हैं वो। ओके, ये नीता अंबानी के बारे में। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हीतल आर मेसवानी। ओके, ये केमिकल इंजीनियर हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस से कंप्लीट किया इनका एजुकेशन। रिलायंस 1990 में इन्होंने ज्वाइन किया। और इनका जो बेसिक काम है वो ये है कि पेट्रोलियम मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज़ में लीड करते हैं।
जो मेगा प्रोजेक्ट हजीरा पेट्रोकेमिकल्स वगैरह में और जामनगर में एग्जीक्यूट हुआ, तो उसके अंदर इनका मेजर रोल था, यहाँ पे ऐसे लिखा है। इन्हें इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिकल इंजीनियर्स का ऑनररी फेलोशिप भी मिला हुआ है और दूसरे अवार्ड्स भी मिले हुए। और ये डायरेक्टर हैं रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग्स एंड कमर्शियल डीलर्स के, ऑडिट कमेटी और वो सब डिटेल्स तो शुरुआत में बताया गया हुआ। तो ये हीतल आर मेसवानी थे। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं निखिल आर मेसवानी, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे हैं, केमिकल इंजीनियर हैं और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई से किया हुआ है, 1986 में इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। तो काफ़ी ओल्ड कमिटमेंट है, मतलब 10-15-20 सालों का मैनेजरियल कमिटमेंट है इनका एक कंपनी से। रिलायंस का जो लीडरशिप है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में उसका इनका उसमें इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और ये कॉरपोरेट अफेयर्स और ग्रुप टैक्सेशन पॉलिसीज भी देखते हैं कंपनी में। उनका आईपीएल क्रिकेट टीम में भी इंटरेस्ट है। और ये प्रेसिडेंट है एसोसिएशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री के। और इनको जो बाकी एक्कोलेट्स और अवार्ड्स मिले वो भी दिए हुए यहाँ पे। रिलायंस के कमर्शियल डीलर्स लिमिटेड एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमेटी भी है। ओके, उसके बाद हैं पीएमएस प्रसाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर हैं रिलायंस के बोर्ड के। इन्होंने लगभग 30-36 इयर्स का कंट्रीब्यूशन दिया है। अलग अलग पोस्ट में काम कर चुके हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग मार्केटिंग एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन और फाइबर बिजनेसेस में। इनका एजुकेशन है बैचलर्स डिग्री इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। और रिलायंस का जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल से और अदर बिजनेसेस में, तो इसके अंदर इनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्हें एनर्जी एग्जीक्यूटिव ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है और बाकी अवार्ड्स के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो कमिटीज़ को हेड करते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी स्टडीज़, मेंबर ऑफ हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट कमेटी के मेंबर हैं ये, HSE कमेटी के, और ऑडिट कमेटी के भी मेंबर हैं। और जो आखिरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है रिलायंस के, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, वो है PK कपिल, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बोर्ड ऑफ रिलायंस के। और हेल्थ सेफ्टी जो एरिया है उसके अंदर ये ड्राइव करते हैं बहुत ज़्यादा, और 1996 से रिलायंस में है। जामनगर कॉम्प्लेक्स जो है पेट्रोलियम का, तो उसको इनिशिएट करने में इनका अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। इनके लीडरशिप के अंडर जामनगर रिफाइनरी को बेस्ट रिफाइनरी इन द वर्ल्ड का अवार्ड मिला है सैन फ्रांसिस्को USA से। और उन्होंने SEZ में जो जामनगर में स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन शुरू हुए उसमें भी इनका लीडरशिप था। और इनको अवार्ड्स भी मिले ऑयल रिफाइनिंग के, ऑयल रिफाइनिंग रिलेटेड फील्ड से। और मेनली इनका हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट में अच्छा खासा काम है कंपनी के अंदर। उसके बाद ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो मेनली इनके जो मुकेश अंबानी जी हैं वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। नीता अंबानी नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। और ये चार लोग जो हैं, हीतल आर मेसवानी, निखिल आर मेसवानी, PMS प्रसाद और PK कपिल, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है जो मेन कमिटीज़ में वगैरह हैं। उसके बाद RA माशेलकर, ये यहाँ से आगे सब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। ओके, तो इनका सोशल कंट्रीब्यूशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, ये सबको ही पता है। डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर साइंटिस्ट हैं, ये इनोवेशन मूवमेंट को इन्होंने पुश किया था इंडिया में, पुश किया है अभी भी। साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च में कंट्रीब्यूशन है, इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। एक्चुअली बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है ये। ऑडिट कमेटी और रेम्यूनरेशन कमेटी ऑफ रिलायंस में मेम्बर हैं। टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, थर्मैक्स, KPIT कमिंस, इन्फो सिस्टम में भी डायरेक्टर हैं ये। ओके, उसके बाद हैं आदिल जैनुल भाई, श्री आदिल जैनुल भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिलायंस के बोर्ड पे। कंसल्टेंट हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं IIT से, MBA हार्वर्ड से किया हुआ है।
34 साल मैकेंजी में वो काम कर चुके हैं वॉशिंगटन ऑफिस में. चेयरमैन मैकेंजी इंडिया थे वो. इंडिया के बहुत सारे जो मेजर कंपनीज हैं उनके साथ ये काम कर चुके हैं 10 साल पिछले. गवर्नमेंट में भी काम कर चुके हैं और ह्यूमन रिसोर्स नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी में हैं अभी फ़िलहाल. इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं. अवार्ड से ज़्यादा यहाँ पे डिटेल दिए कि बहुत सारे जो रेनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के और बाहर के उनके ये बोर्ड मेंबर्स हैं. उसके बाद मानसिंह एल भक्त, ये भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, एडवोकेट हैं. लगभग 60 से 70 सालों का इनका एक्सपीरियंस है, बहुत ही मजबूत एक्सपीरियंस है. और मेसर्स कांगा और कंपनी के एक्सपर्ट हैं ये. मेसर्स कांगा एंड कंपनी लॉ फर्म है आई थिंक, एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स इन मुंबई. ओके, ही लीगल एडवाइज़र हैं बहुत सारे फॉरेन कंपनीज के लिए. चेयरमैन हैं टैक्सेशन लॉ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ लॉ एशिया. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी हेड कर रहे हैं. रोटरी में भी इनका काम है. लीडिंग लॉयर्स ऑफ एशिया अवार्ड भी मिल चुका है इनको. ओके, मतलब ये लॉयर हैं इन सब में. उसके बाद हैं दीपक सी जैन, जो कि वन ऑफ द टॉप एजुकेशनलिस्ट हैं वर्ल्ड के. केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के डीन हैं. गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है. यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से भी किया हुआ है. अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में ये टीचर रह चुके हैं. मार्केटिंग स्कॉलर भी हैं और टीचिंग में अवार्ड्स भी मिल चुके हैं इनको. बहुत सारे अवार्ड्स का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. रिलायंस रिटेल के भी डायरेक्टर हैं ये. ऑडिट कमेटी के भी मेंबर हैं. स्टॉक कंपेंसेशन कमेटी के भी मेंबर हैं. ओके, उसके बाद हैं डॉक्टर धर्मवीर कपूर, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं. इंडियन गवर्नमेंट में काम कर चुके हैं. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इनका ग्रेजुएशन है. का पावर, कैपिटल गुड्स, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है. एडवाइजरी कमेटी ऑफ द कैबिनेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रह चुके हैं ये कमेटी में वो. और बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में इन्होंने काम किया, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड स्टेक होल्डर्स इंटरफेस कमेटी में मेंबर हैं रिलायंस में. HSE में भी मेंबर हैं, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट में. बहुत सारे एकोलेट्स ये होल्ड करते हैं यहाँ पे दिए हुए बड़े बड़े, जो अलग अलग कंपनीज में भी काम कर रहे हैं. उसके बाद महेश पी मोदी, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है इनको. पेट्रोकेमिकल, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी और इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज का. MSc इकोनॉमिक्स में होल्ड करते हैं. फेलो ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड बैंक में है. MSc होल्ड करते हैं इकोनॉमिक्स में. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अलग अलग पोजीशंस होल्ड करते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जॉइंट सेक्रेटरी, द मिनिस्ट्री ऑफ कोल. गवर्नमेंट से इनका बहुत अच्छा खासा कनेक्शन है. और ये अलग अलग कंपनीज में भी इनका इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि BSES, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस एक्सेट्रा. ऑडिट कमेटी, एम्प्लॉय स्टॉक कॉम्पेंसेशन कमेटी, कॉरपोरेट गवर्नेंस में इनका अभी फ़िलहाल वर्क है. उसके बाद हैं योगेंद्र पी त्रिवेदी. ये त्रिवेदी जी का फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और सोशल प्रोफेशनल सर्विसेज से कनेक्शन है. उनको ऑनररी डॉक्टरेट भी मिला है फ़कीर मोहन यूनिवर्सिटी ओडिशा से. सुप्रीम इंडस्ट्रीज, जोडियाक क्लोदिंग लिमिटेड में भी इनका इन्वॉल्वमेंट है. यहाँ पे इनके कंपनीज दिए हुए हैं. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक में भी डायरेक्टर थे. और अलग अलग जो प्राइवेट
ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में भी इनका काम रहा है। यहाँ पे शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस कमेटी द रेमुनरेशन कमेटी वगैरह में काम कर रहे हैं। ओके उसके बाद अशोक मिश्रा जी हैं, ये आईआईटी डायरेक्टर रह चुके 8 साल तक। और इन्होंने एमएससी किया है केमिकल इंजीनियरिंग में टुफ्ट्स यूनिवर्सिटी से, और पीएचडी है पॉलीमर साइंस इंजीनियरिंग फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से। फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ पॉलीमर प्रोसेसिंग एकेडमी एंड द फॉर्मर प्रेसिडेंट। ओके सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड गवर्नमेंट में भी इनका इन्वॉल्वमेंट है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ आईआईटी दिल्ली में भी है। और आईआईटी से मोस्टली इनका अच्छा खासा कनेक्शन है गवर्नमेंट से। और एक यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिसिंग है, वो भी है श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, जो एसबीआई की चेयरमैन हेड रह चुकी है। तो वो अभी रिटायर होने के बाद कुछ समय के बाद उन्होंने रिलायंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ज्वाइन किया था, तो उनका भी अच्छा खासा बैकग्राउंड है। एसबीआई में वो चेयरमैन रह चुकी है, चेयरमैन या फिर सीएमडी समथिंग, और अभी रिलायंस के बोर्ड पे। तो आप देख सकते हैं कि मुकेश जी अंबानी जी ने 1977 में कुछ ज्वाइन किया था और वहाँ से इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया। उसके बाद ये लोग लगभग जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं मेसवानी प्रसाद कपिल साहब, इन्होंने इनका जो एक्सपर्टीज़ है वो बेसिकली पेट्रोलियम और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड फील्ड से है। नीता अंबानी जी का एक्सपर्टीज़ मोस्टली सोशल वर्क एंड ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन में है, जो फैसिलिटीज़ डिज़ाइन काइंड ऑफ कह सकते हैं। और उसके बाद जो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, इनका मोस्टली गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा खासा है, तो गवर्नमेंट टाइज आई थिंक उसके वजह से रिलायंस के अच्छे मेंटेन करने में और उससे रिलेटेड अच्छे एडवाइस इनको इनसे मिलती होगी। तो वो एक प्लस पॉइंट है रिलायंस का कि बड़े स्केल पे ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जो हर्डल्स होते हैं गवर्नमेंट ये वो इश्यूज़, तो उनको सॉल्व करने के लिए इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं रिलायंस के एबिलिटीज़ पे कोई भी प्रोजेक्ट परफॉर्म करने में या फिर एग्जीक्यूशन पे। तो ये उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, और भी इनकी डिटेल एक्चुअली नेट पे अवेलेबल है, बट मैं ऑफिशियल जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थी डायरेक्ट पब्लिक डोमेन सोर्स से इनके एनुअल रिपोर्ट से, तो वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। वैसे ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है वीडियो, मगर अगर आप फंडामेंटल्स के बारे में जानना चाहते हैं, कंपनी के फंडामेंटल स्टडी करना चाहते हैं, तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उसमें मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, तो वो स्टडी करना एक अच्छी बात मानी जा सकती है। और वीडियो के नीचे जो आपको राइट साइड में सेकेंड जो शेयर का बटन है वो क्लिक करके आप ये वीडियो को व्हाट्सएप वगैरह अलग सोर्सेस पे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग शेयर मार्केट फ्रेंड।